अभी इनके चैनल पर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ। और अभी हम आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, लास्ट वीक अभी लाइन में लगे हुए, पता नहीं हम लोग। अभी देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है, शायद आप लोग को देखिए। ओ भाई हल्ला एंड ऐसा कुछ नज़ारा है इधर पूरा एकदम। सबसे पहले तो थैंक यू दीपक मेरे को इनवाइट करने के लिए साथ में। काफी टाइम से बोल रहे थे कि राजगीर चला जाए घूमने के लिए, तो मैंने फोर्स कर रहे थे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आज मिला टाइम तो मैंने बोला तो चलिए घूमाते हैं। फिर मैं बोल रही थी ना काफी टाइम से ये लेट करवा रहे थे, क्योंकि हम सुबह से ही खड़े हैं लाइन में और अब देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। ये देखो ग्लास ब्रिज का ये हालत है, ये बहुत ये हालत है। और ये सुबह 6 बजे से आके खड़ा है, और एक्चुअली ये यूट्यूबर है, फेमस है यार, मेरे से बहुत ज्यादा फेमस हो इसका इसके साथ। और ये मेरे को बहुत जल्दी बोल भी दिया कि हाँ हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। और ये देखो सुबह से, और अभी हम लोग टाइम सुबह से, एक लड़का जो है वो भाई मेरा भाई एक है जो अभी लाइन में लगा हुआ है, और हम लोग इधर अभी हम इसके साथ अभी जस्ट हम आए हैं। लोग सुबह से ही भूखे प्यासे खड़ा है, और मेरा भी टिकट यही लोग लेने वाला था, तो हम लोग अभी आपस ऐसे ही पास में ये सोन भंडार है ये घूमने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ इसका हिस्ट्री पता नहीं है। एक हिस्टोरिकल है सोन भंडार बोले तो, मतलब इसमें कुछ क्या हमें भी का प्लान था आपके लिए स्पेशली हम आज रुके। और घोड़ा कटोरा भी चलना है, टाइम मिलेगा यहाँ से तब ना। वही तो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अब लड़का सुबह से 7-6 बजे से खड़ा खड़ा, अब भी जाके फाइनली ये टिकट मिला है नेचर सफारी का। अभी तो यहाँ पर 50 रुपीज का टिकट लगा है, और इतना लंबा प्रोसेस था आने का सुबह सुबह से लगे लगे। मेरे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी अंदर जाने के लिए। और ये आंटी लोग मेरे को ज्यादा देख रही है। आंटी कहाँ से आप आई हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। ऑब्वियसली बिहार में कहाँ से, बिहार से ही हम आए हैं। यूपी से है, यूपी बिहार दोनों मिक्स है यहाँ। अच्छा यूपी से इतने दूर से आए, लेकिन कब से लगी हुई थी लाइन में? 8 बजे से। ओ तो कितना ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत, मैं भी 7 बजे से ना। ओ 7 बजे से, मेरे साथ तो वो लोग लगे हुए थे, और मेरा थोड़ा सा अंकल नहीं भैया टाइप के। ये देखो गाड़ी आ चुकी है, पूरी लाइन लगी हुई है इधर। एसी की गाड़ी होती है। चलो मैं इधर ही बैठ जाती हूँ अंदर। हम छोड़ दिए, अरे 2 घंटा पहले से दीपक जी और उनके भाई, और हम लोग सबसे लास्ट वाले सीट पे बैठे हुए हैं। नो, ये तुम्हारा आइडिया था, हम सबसे फर्स्ट वाला सीट वो बुक कर रहे थे, पीछे जो रहने का। 12-16 अभी हम आपको बैठ के कैमरे से नेचर सफारी का वो दिखाएंगे व्यू। फाइनली हम लोग आ गए नेचर सफारी, और बहुत बारिश भी हो रही है देखो। इस गुफा में ही बंद हो गया, तैयार हो गया। देखो यहाँ पर अंदर आइए आप लोग। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश छूट चुकी है, पूरी तो नहीं छूटी है। और वहाँ पर से हम लोग टिकट कलेक्ट किए थे, और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा यहाँ पर सारे एक्टिविटीज़ का जितने भी टिकट मिलता है। और ये देखो यहाँ से होता है आपका वेलकम। पूरा मैप दिया हुआ है, नेचर सफारी राजगीर सारा यहाँ पे है, ग्लास ब्रिज, बुद्धा, मेन कैंप एरिया, यहाँ पे सारा मैप दिया हुआ है। और हम लोग अभी सामने जाएंगे पैदल पैदल चल के, थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहा है ग्लास ब्रिज की ओर। इतनी खूबसूरत ब्यूटी है ना, इसको मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते वर्ड में, कैसा फील हो रहा है आप ये देखो।
इतना सुंदर लग रहा है ना, और इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतने दूर दूर से लोग आए हुए, इतने दूर दूर से देखने के लिए। भाई साहब इतना इजली, सच में ये देखो वो वाली पहाड़, वो देखो क्या नज़ारे हैं यार। नेचर सफारी, प्रवेश का समय 10 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे बार को ये बंद रहता है। और ये देखो हम लोग इस सीढ़ी से जा रहे हैं अभी ऊपर। हाँ भाई कितनी भीड़ है ऊपर जाके भी। अरे भाई कितना भीड़ है यार। देखो यहाँ पे सारे बौद्धिस्ट लोग आए हुए हैं ग्लास ब्रिज देखने के लिए। वहाँ से क्या होता है वहाँ पर से? अरे कुछ नहीं होता, सस्पेंस में चलिए वहाँ पे चले। लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रहते हैं? यहाँ भी रहते हैं ना। ओ पांडू पोखर के बगल। अच्छा अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं घूमने के लिए? अरे हम तो उद्घाटन जब नहीं हुआ तो उसी से उसके पहले घूमा, पहले ही घूम लिए थे। ये ताइवान से आए हुए देखने के लिए। अच्छा यही के हैं, बस ताइवान में रहते हैं, है ना। इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई। और इधर ये इनका बॉडीगार्ड है जो कि इनको बात करने से मना कर रहे थे, और ये फिर भी हम लोग से बात, मेरे से बात कर रहे थे। बात करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 10 अक्टूबर को। ओ हाँ, अरे वाह। तो ये बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा है, इतना दूर बच गया है, इतना सा दूर बच गया है। यहाँ से वहाँ से जाती है ग्लास ब्रिज, वो आपको रास्ता दिख रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। पता नहीं अंदर एक यूट्यूबर है, वो कुछ उल्टा सीधा कर दिया है, और इसके साथ वो उसका पहले वीडियो का जो आया था वो वीडियो शूट किया था, तो उस वीडियो में पता नहीं उल्टा सीधा करके कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो कुछ उल्टा सीधा थंबनेल का यूज़ कर दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर जो पुलिस लोग हैं वो उसको मना कर रहे हैं आगे वीडियो शूट करने से, बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं। और उसका जब्त भी कर लिया है, कैमरा वगैरह सब कुछ, माइक जब्त कर लिया, और वो लोग उसको पहचान गए पुलिस वाले जो। खैर वो अलग ही बात है, अभी हम लोग इसका मज़ा लेते हैं नज़ारे का, और अभी चलते हैं स्काई ब्रिज पे जो कि यहाँ से जाती है। माय ड्रीम्स कम ट्रू। और यहाँ से ये देखो पूरा व्यू, तो फाइनली यही है वो ग्लास ब्रिज शरीर बना हुआ है। ये हमारे भाई साहब भाई, हाथ हिलाइए। ओह माय गॉड, जाते समय डर लग रहा था, आते समय कोई डर नहीं। ये देखिए यही से कनेक्टेड है वहाँ, और इसका कनेक्शन उधर। ओह माय गॉड, ये देखो मेरे पैर कांप रहे हैं। अजीब सा अंदर से इतना डरावना फील हो रहा है ना, अंदर से इतनी डर लग रही है ना। ये देखो ब्लॉग का क्या हो गया, जूता है, जूता है। हार्ट बीट बढ़ गया है, पता नहीं वो मैम कैसे वहाँ पे खड़ी रहती है हमेशा से। आपको ट्रेनिंग दिया गया है यहाँ पे खड़े रहने। ओह माय गॉड, वो मेरे पैर कांप रहे हैं एकदम। ओह अरे बाप रे,
हाँ नहीं ये वाइब्रेट होता है, ये बहुत वाइब्रेट होता है। फील मुझे इतनी डर लग डर लग रहा है ना यहाँ पर। ये देखो फाइनली हम लोग आ गए स्काई ब्रिज पे। ये जो है और पता है ये शेक करता है, इतना डर मैं तो कलेजा निकल रहा है मेरा 8 मिनट। और ये देखो यहाँ से ये व्यू, पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं, वो देखो बैठे रहे, मतलब कुछ भी कहो कम है। फाइनली ये बिहार का गौरव, अभी फिलहाल का गौरव तो यही है ग्लास ब्रिज, जिसको देखने के लिए सब लोग इतना मशक्कत कर रहे हैं। क्या सीन है, क्या व्यू है। फ्यूज भाई ठीक से देखिएगा, शीशा कमजोर है भाई। हाँ हाँ देख के देख के, आराम से। चलो अब देखो यहाँ के लोगों का एक्साइटमेंट ग्लास ब्रिज चढ़ने पर, ये लोगों का एक्साइटमेंट। ओह भाई आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए अपने मुकाम पे, फाइनल डेस्टिनेशन। यार बहुत ही लिमिट टाइम है, 5 मिनट भी आपको नहीं यहाँ पे खड़ा रहने देंगे लोग, ना वहाँ पे ज़्यादा हिलना है ना डुलना है कुछ नहीं। और ये देखो इस गेट से हम लोग, यहाँ से आप निकल के आओ, इस गेट से हम लोग जस्ट बाहर जाएंगे इस गेट से। सो फाइनली मुझे बड़ा ही मज़ा आया, ऊपर से हम लोग को बैठना मना है, वो शेक भी करता है और कुछ लोग तो लेट रहते। वैसे मैं भी बैठ गई थी, मैं भूल गई थी कि मैं ग्लास ब्रिज पे हूँ।